अजय देवगन दिवाली में ठग साहब हिंदुस्तान के साथ मिलकर क्या तहलका करने जा रहे हैं? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म टोटल धमाल की शूटिंग खत्म हो चुकी है। खबरों की माने तो फिल्म का ट्रेलर दशहरा से दिवाली के बीच रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म का प्रमोशन काफी कम दिनों के लिए ही रखा जाएगा। वहीं सूत्रों के अनुसार फिल्म का ट्रेलर आमिर खान की ठग साहब हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जा सकता है। बता दें, टोटल धमाल 7 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये कॉमेडी फिल्म काफी बिग बजट पर तैयार हो रही है। ये पहले कॉमेडी होगी जो 3D पर रिलीज की जाएगी। वहीं इस फिल्म के वीएफएक्स पर अजय देवगन की कंपनी ही काम करने वाली है। सिर्फ फिल्म के वीएफएक्स पर ही लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को अजय देवगन, मारुति और फॉक्स स्टार स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहीं न कहीं अब टोटल धमाल से भी उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं। ये कॉमेडी फिल्म काफी बड़े स्तर पर बनाई जा रही। मुख्य कलाकारों के अलावा फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और बोमन ईरानी भी अहम किरदार में होंगे। फिल्म के वीएफएक्स को लेकर अजय देवगन का आइडिया था कि फिल्म को स्टाइलिश बनाने के लिए ढेर सारे वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी ही कंपनी को स्टोरी बोर्ड पर काम करने के लिए कहा। गौरतलब है कि अजय देवगन की कंपनी को फिल्म सिवाय में वीएफएक्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। लिहाजा कहीं न कहीं अब टोटल धमाल से भी उम्मीदें काफी बढ़ चुकी है। फिल्म को 3D फॉर्मेट पर रिलीज किया जाएगा। ये बॉलीवुड की पहली कॉमेडी फिल्म होगी जिसे दर्शक 3D पर देखेंगे, साथ ही अजय देवगन की पहली फिल्म भी। इस फिल्म में एक सुपरहिट जोड़ी भी देखने को मिलेगी। फिल्म में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित अपने ही एक पुराने गाने पर डांस करते नजर आएंगे। बता दें, अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को अंतिम बार हमने फिल्म पुकार में देखा था। दोनों की जोड़ी सुपरहिट थी। इंद्र कुमार ने कहा था कि वो फिल्म को दिवाली पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन शायद उन्होंने आमिर खान के साथ क्लैश करना सही नहीं समझा। दिवाली पर ठग साहब हिंदुस्तान रिलीज हो रही है। टोटल धमाल में अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख एक बार फिर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। वहीं संजय दत्त वाले किरदार में अजय देवगन नजर आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ये फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी या नहीं।